गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 लाइफ पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्लाइडोस्कोप पे है जिसको अपन पढ़ेंगे, और इससे पहले वाला क्वेश्चन है जिसकी आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है क्लाइडोस्कोप। तो क्लाइडोस्कोप क्या होता है? तो क्लाइडोस्कोप एक डिवाइस होती है जिससे अपन मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं। तो इट कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस बाय मेकिंग यूज ऑफ मिरर्स इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। जो मल्टीपल इमेजेस देखेंगे वो अपन एक से ज्यादा मिरर से देखेंगे और उनको किसी एंगल पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो यही है क्लाइडोस्कोप। इट कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस बाय मेकिंग यूज ऑफ मिरर इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल। किसी एंगल पे क्या होते हैं? इंक्लाइन होते हैं। सर्टेन एंगल पे क्या होते हैं? इंक्लाइन होते हैं, जिससे अपने को इमेजेस मिलेगी और इमेजेस भी एक से ज्यादा मिलेगी। जैसे आप बार्बर की शॉप में जाते हो तो बार्बर की शॉप में एक तो मिरर सामने होता है और एक उसके पीछे होता है। तो अपनी इमेज है ना, अपनी जब मिरर में देखते हैं तो अपनी एक से ज्यादा इमेजेस बनती है। वही है ना, उसमें भी मिरर कितने थे? दो थे। दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे और बीच में अपन थे, है ना। बार्बर के शॉप में एक तो आगे मिरर होता है, एक पीछे होता है ना। और अपन मिरर में देखते हैं तो उसमें एक से ज्यादा इमेजेस बनती है। वैसे क्लाइडोस्कोप में भी क्या होते हैं? एक से ज्यादा मिरर होते हैं जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज एक से ज्यादा बनती है, ठीक है। तो क्लाइडोस्कोप को बनाते कैसे हैं? हाउ टू मेक क्लाइडोस्कोप, ठीक है। तो क्लाइडोस्कोप में अपने को तीन मिरर चाहिए, तीन रेक्टेंगुलर मिरर चाहिए। टेक थ्री रेक्टेंगुलर मिरर, स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, है ना। तीन रेक्टेंगुलर मिरर चाहिए जो कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। जॉइन दीज स्ट्रिप्स टू फॉर्म प्रिज्म। इन तीनों को अपन ऐसे जॉइन करना है कि इससे अपन प्रिज्म बना लें। जैसे कि ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखो तीन रेक्टेंगुलर मिरर है जिसको मैंने देखो एक इधर इसके साथ जॉइन कर दिया, एक नीचे बेस पे जॉइन कर दिया, जिससे एक प्रिज्म बन गया, ठीक है। इस प्रिज्म को अब अपन इस कार्डबोर्ड में फिक्स करेंगे। ये कार्डबोर्ड दिख रहा है आपको, सर्कुलर कार्डबोर्ड है ना, सिलेंडर टाइप का। इसके अंदर इसको फिक्स करना है। फिक्स देम इन सर्कुलर कार्डबोर्ड, इसको अपन ने सर्कुलर कार्डबोर्ड में फिक्स कर दिया। देखो इस सर्कुलर कार्डबोर्ड, इसके अंदर इस प्रिज्म को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है? क्लोज वन साइड ऑफ ट्यूब, जो ये ट्यूब है, ये सर्कुलर कार्डबोर्ड है, विद कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग होल इन सेंटर थ्रू विच यू कैन सी। इस कार्डबोर्ड डिस्क को, ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसको अपन एक डिस्क से क्लोज कर देंगे और उसके बीच में क्या होगा? एक होल होगा जिससे अपन इमेजेस देखेंगे, ठीक है। जिसकी इमेजेस अपने को देखनी है उसको अपन इस सर्कुलर ट्यूब के सेकंड एंड पे रख देंगे। जैसे कि मेरे को इस पीसेस की इमेज देखनी है, ब्रोकन पीस ऑफ कार्डबोर्ड ग्लास, यहां पे मैंने कार्डबोर्ड का ये जो ब्रोकन पीस रखा है, ब्रोकन पीस ऑफ कलर ग्लास है ना, कांच के छोटे छोटे कलर टुकड़े रखे हैं जिससे जिसको अपने को देखना है। तो इधर से मैं देखूंगा तो इनकी इमेजेस बनेगी, है ना, कलर्ड इमेजेस बनेगी और बहुत सारी इमेजेस बनेगी। अब इस कार्डबोर्ड डिस्क को अपने को और ड्यूरेबल बनाना है या अपने को जो इमेजेस है वो और अच्छे से देखनी है, तो अपन क्या करते हैं? टू मेक दिस ड्यूरेबल, प्लेस ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द डिस्क, है ना। इस डिस्क के नीचे, ये जो डिस्क दिख रही है आपको कार्डबोर्ड डिस्क जिसके बीच में सेंटर में क्या होल है, इसके नीचे अपन एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो और अच्छे से बनती है, और अच्छे से दिखेगी अपने को। और लास्ट में इसके एंड में, ये दिख रहा है आपको एंड में, एट द अदर एंड टचिंग द मिरर फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। इसके एंड में अपन क्या करते हैं? एक सर्कुलर ग्लास प्लेट और लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो भी इमेजेस बनेगी वो ब्राइट बनेगी और कलर्ड बनेगी, है ना। जो भी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पीस रख दी ग्लास के कलर की सकती है जिसकी इमेज मेरे को देखनी है। तो इधर से देखूंगा कि मेरे को उसकी
सारी इमेजेस मिलेंगी, है ना, क्लाइडोस्कोप में, यही है क्लाइडोस्कोप। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये लिखना है, ठीक है।